वंदे मातरम। काफ़ी दिनों के बाद आज हम इस श्रृंखला में आए हैं, जुड़े हैं। आज हम देखिए, आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले, हम एक सबसे वर्ड एक यूनिक वर्ड पे बात करेंगे, दैट इज माइंड। मन सबसे खतरनाक चीज़, सबसे खतरनाक चीज़, सबसे ताकतवर, सबसे श्रेष्ठ। इसे हम, अगर आप देखेंगे, डिकोड करेंगे तो इसे कामधेनु कहा गया। धेनु मतलब गाय, काम मतलब कामना वाली, अर्थात जो आप चाहें वैसी चीजों को प्रदान करने वाली गाय है कौन? मन। लेकिन देयर हैव अ रीजन। इसमें दो चीजें होनी चाहिए सर उसके साथ। सबसे पहला है कि वह व्यवस्थित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। और सेकेंड, दूसरा, रेगुलेटिंग अर्थात विनियमित होनी चाहिए। व्यवस्थित होनी चाहिए सर, क्या मतलब? व्यवस्थित का मतलब ये है कि वो एक वे होना चाहिए, वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए उसका, कि आप जो चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दैट, कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमको कुछ पाना है, एग्जाम्पल कि आप पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कुछ, और कलेक्टर वगैरह इत्यादि बनना चाहिए, तो वे ऑफ थिंकिंग आपका वैसा होना चाहिए कि जैसे ही आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, जैसे ही आप कुछ सोचें, उन उन समय में अर्थात इन दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम, ये मन आपकी वे ऑफ थिंकिंग उसी तरफ लेके चली जाए, उसी प्रकार के विचार आने लगे, आप सोचने लगे आप दिन रात, दैट इज व्यवस्थित मन। ये किसका काम है? व्यवस्थित मन। दूसरा है विनियमित, मीन्स कि रेगुलेटिंग, आपके हिसाब से काम करे उसे, ये नहीं कि कोई कहा तो फिर उसके हिसाब से उसके बारे में सोचने लगे, किसी ने कोई और राय दिया तो उसके हिसाब से काम करना, ये कोई मन का बढ़िया तरीका नहीं है। ये भी होना चाहिए ताकि आप कहें कि दिस इज माई डिसीजन, तो आपके डिसीजन के अनुसार वो निर्णय ले, काम करे, दैट इज रेगुलेटिंग। और ये दोनों चीजें अगर आ गई मन में सर, किसी भी मन में, तो आपको भगवान भी बना दे, भगवान महान जो भी कहें वो आपको बना दे। जैसे राम का था, कृष्ण का था, बुद्ध का था, लेकिन ये किसके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा। सांदीपनी ने कृष्ण के ब्रेन को, कृष्ण के मन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और उसके अलावा ऐसे ही हम कई लोग, कई ऐसे उदाहरण हैं इसमें, आप देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कृष्ण है, उसके अलावा बलराम, उसके अलावा वो क्या नाम है, राम है, उसके अलावा कई परशुराम जी भी हैं। परशुराम जी विनियमित करते हैं, लेकिन ऐसे आघात से वो तड़प रहे हैं, ऐसी चीज़ों से वो तड़प रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो उसका स्वभाव उग्र है, उग्र है, उग्र प्रकृति है, दैट इज रीजन। अब देखिए, अब मन के बारे में हम देख रहे हैं, व्यवस्थित और विनियमित, ये होगा कैसे? उसके कुछ रीजन है सर, दे आर हैव सम प्रोसेस। मन की व्यवस्थित मन और विनियमित मन कैसे होगा? ये होगा देखने से, वाच, देखने से इसको, मन को। एग्जाम्पल कैसा है ये, जैसे मान लीजिए आप जैसे ही मन को अपना देखने शुरू कर, देखना शुरू कर, जैसे मन में कोई विचार आ रहा है, एनी थॉट कमिंग इन योर माइंड, देन यू हैव टू वॉच, आप उसको देखने लगे। और अगर आपके संबंधित नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आप, आपका लक्ष्य कुछ और है, जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो आपको वहाँ पे नहीं ले जा रहा, आपको दिखा रहा है गाड़ी उड़ी ला के दिखा रहा है, ये ना व्यवस्थित मन है ना विनियमित मन है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं, ठीक है? तो ये जो है, ये आपके आपके वे आप थिंकिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना है उस चीज को? ऐसे मान लीजिए कि व्यवस्थित और विनियमित करने के लिए हमें क्या करना है? वाच करना है, देखना है उसको। जैसे ही आप देखेंगे, तो आप देखेंगे ना कि वो सारी जो विचारें हैं वो अपने आप शांत होंगे। दे आर एक्सपेरिमेंटल, मैं वैसे नहीं बोल रहा, एक बार करके देखिएगा सर, अपने विचार, आप बैठ जाइए, वैसे जैसे ही आपका ऐसा हो कि आप कुछ और सोचना चाहते हैं और जा कुछ और रहा, मन में कुछ चल रहा है या कुछ भी हो, तो आप बैठिए और उस मन को देखिए सर, विचारों को देखिए, यह आपको बताएगा कि सोचना कैसे, क्योंकि तो जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आपका मन काल्म होने लगेगा, शांत होने लगेगा, वो सारे विचार जो मतलब दुर्भिक्ष हैं, जो बेकार हैं, वो सारे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो
आपके वे ऑफ थिंकिंग को सही करेगा, क्योंकि वो ऊर्जा बचेगा जो बर्बाद नहीं होगा आपके माइंड के हिसाब से, तो वो ऊर्जा बचेगा जो आप उसको अच्छी जगह पे लगाएंगे, अपने गोल के हिसाब से लगाएंगे, देन यू कैन गेट सक्सेस। ओके, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। तो ये चीजें हैं, वॉच, ये सबसे खतरनाक बहुत बड़ा हथियार है सर। आप कहेंगे कि केवल देखने से क्या होता है, बैठ के देखेंगे तो क्या होगा, कुछ बहुत शानदार चीज़ है। तो केवल वाच करने से आपका मन व्यवस्थित भी हो जाएगा और विनियमित भी। और इससे देखिए, कई लोग कहते हैं ना, पढ़ने से पहले जरूरी ये है कि आप मन को व्यवस्थित करें। आप सफल होने से पहले जरूरी है कि मन को शांत करें, ताकि वे आप थिंकिंग आपका बदले, आप जैसा चाहें वैसा पालें। क्योंकि तो केवल लक्ष्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, लेकिन आपका मन वहाँ पे सोच ही नहीं रहा, आपका मन कहीं और है। उसको व्यवस्थित करना है, दैट इज, और देयर है वो ट्रीटमेंट, ओनली वॉच। आप उस मन को देखिए, ये व्यवस्थित भी हो जाएगा और विनियमित भी हो जाएगा। आप देखेंगे ना, इस समय इस पे काम नहीं किया जा रहा सर। हम इस वीडियो बनाने के लिए उद्देश्य यही है कि आप अपने मन को व्यवस्थित करें, क्योंकि तो व्यवस्थित मन ही आपको सफलता दिलाएगा, वैसे हो नहीं सकता। इसीलिए हम ये चाहते हैं, आप पूरा यूट्यूब पे या पूरा कहीं भी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, तो बहुत कम ऐसा वीडियो होगा जो इस पे होगा। वैसे सब लोग केवल पढ़ाने के चक्कर में, आप ये करें तो सफलता मिलेगी, ये करें वो करें, लेकिन वैसे होता नहीं है सर। आपको सबसे पहले आपको मन को व्यवस्थित करना होगा, मन को शांत करना होगा, अपने हिसाब से वे आप थिंकिंग लाना होगा, अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करना होगा, देन यू विल गेट सक्सेस। वही मन आपको सफलता दे रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसीलिए हमने इस कोशिश किया है कि हम आपको बताएं, और फिर बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं। और इसके कुछ तरीके हैं सर आपको भ्रमित करने के। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, देखिए कुछ तरीके हैं भ्रमित करने के। सबसे पहला ये, ऐसा नहीं करता, मना नहीं करता कि भैया आप ये मत करिए, ये कहता है कि कल करेंगे, कल कल करेंगे। कोई भी काम अगर होता है तो ये कहता है कि भैया, अब मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और अभी आप खाना खा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये कहेगा कि चलिए बढ़िया पहले खा लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही आप खा के उठे, आपको नींद लगने लगी, अब आप बोल रहे हैं कि पहले सो लेते हैं, पहले सो लेते हैं फिर पढ़ें। ये कभी नहीं कहता कि नहीं पढ़ें, कहता है सो लेते हैं फिर पढ़ेंगे। और जैसे ही सो गए तो आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे अगर रात में नींद खुली तो आप बोल रहे हैं कि नहीं कल पढ़ेंगे, कल। और जब कल उठे तो फिर वही काम, फिर कहेगा कि दैट इज अ सिम्टम ऑफ माइंड। ये सिम्टम है माइंड, इसको भी समझना है। और इसको समझने के बाद ही आप सिम्टम है, सिम्टम इसको समझने के बाद ही आप मन को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और विनियमित कर सकते हैं। व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक, विनियमित मतलब रेगुलेटिव। और ये दोनों करने के लिए आपको क्या करना होगा, वॉच। हम इस सारी, हमने एक प्रवृत्ति की बताई है, मन मन की एक प्रवृत्ति को बताया हुआ है, कल, ठीक है, कल। और उस कल के जरिए वो लोगों को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप मन को व्यवस्थित करें और विनियमित करें। और उस मन को विनियमित और व्यवस्थित करने के लिए जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो है वॉच, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर माइंड। ये सबसे बड़ा हथियार है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। हमने कहा है कि जो नए सत्र की शुरुआत में सबसे पहले आप इसका प्रयोग करें, आप खुशहाल रहें, आप बढ़िया रहें, आप अपनी जो जो चाहें वो आप आपको वो मिले, यही आपके ईश्वर की प्रार्थना है। धन्यवाद।